व्हाट्स अप गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही यूनिक चीज करने वाले हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में कुकिंग करने वाले हैं। और कुकिंग क्या रेसिपी बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम लोग रेसिपी बनाएंगे एग चाउमीन। तो इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट लिया है चाउमीन, जो कि मैंने पहले ही बॉइल कर दिया है। और इसमें मटर की कढ़ाई में मैंने लिया है आलू, कांदा और हरे मिर्च। और उसके साथ मैंने चाउमीन है, इसलिए मैंने दो अंडे भी लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये कटिंग्स और वेजेस था, वो मैंने पहले तेल में डाल दिया। और इस तेल में मैंने डाला है फॉर्च्यून तेल। और अभी इसको हम लोग ऐसे बंद कर देंगे थोड़ा सा। ये हमें हाँ, तो मेरा नॉनस्टिक का ये है, इसलिए मैं इसको सिम में रखूंगा। और उसके साथ साथ मैंने ये चाउमीन को पहले ही बॉईल किया है, क्योंकि खामों का वीडियो लंबा हो जाएगा। और उसके साथ साथ मसाले में मैंने लिया है पास्ता मसाला, क्योंकि मेरे घर में चाउमीन मसाला अवेलेबल नहीं था। और आप कोई भी मसाले ले सकते हैं। तो अभी इस वेजिस को हम लोग हल्का सा ऐसे इससे हिलाएंगे ऐसे। थोड़ा सा नमक डाल ले। हाँ, तो उसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक। आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कम नमक खाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम डालेंगे। तो अभी हम लोग इस नमक को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि ये जो वेजीज है, ये फ्राई होना शुरू हो गया है। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे। और इसको इसके कवर से ढक देंगे। और मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि ये जो अगर आप कुकिंग कर रहे हो, तो इस ये गैस चलाना, फिर ये मिक्सर ग्राइंडर, और अगर ये माइक्रोवेव का काम है तो ये सब खुद मत, बिल्कुल भी मत करिएगा। अपने अपने पेरेंट्स किस बोलना ये सब कर ले, आप बिल्कुल भी ये ट्राई मत करना। और इस यहाँ पे हम लोग ने लिया है ये बॉइल्ड चाउमीन, जिसको हम लोग डालेंगे इसमें बाद में। तो देखते हैं ये फ्राई हुआ कि नहीं। ये अभी तक फ्राई नहीं हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद ये फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा गिर गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरे तो अभी से ही पसीना आना शुरू हो गया। थोड़ा सा कुछ इलाके नीचे खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ से तो गर्म हवा निकलता है। तो ये अच्छे से फ्राई हो रहा है अभी। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब हम लोग इसमें डालेंगे चाउमीन। और इसको मसाला डाल के इसमें यहाँ पे हम लोग और एक अलग से ऑमलेट बनाएंगे, और मतलब कि इसमें डाल देंगे, इसको क्रंच करके डाल देंगे इसमें। उधर थोड़ा सा ऑमलेट बना लेते हैं। तो जब तक ये फ्राई होता है, मैं दूसरी तरफ ऑमलेट बना देता हूँ। तो ये थोड़ा सा गर्म है, उसके लिए मैं यूज करूंगा विक क्लॉथ।
भारी भी है। हाँ तो इस तरफ मैंने लिया ये वाला, सॉरी मैंने लिया ये वाला पैन। तो मम्मी अब गैस जला देगी। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या फिर सादा तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सादा तेल डालूंगा। थोड़ा सा ही डालना मेरे को। अब लेना है ये दो अंडे जो कि मैंने लिए हैं, मेरे घर में पड़े हुए थे तो मैंने यूज कर लिया। तो इसको गर्म होने देते हैं तेल को, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तब तक मैं इस तेल को स्प्रेड कर लेता हूँ इसमें पैन में। पीछे रख थोड़ा सा, पीछे कर, फ्रंट कर, बस। हाँ तो जब तक ये तेल गर्म होता है मैं ये फ्राइड वेजीज को तब तक देख लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो ही गए हैं, थोड़ा सा और फ्राई करना है। डाल दो तो ये अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए मैंने इसको दिया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा और ऐसे मूव करना है। और मैंने तेल बहुत ही ज्यादा डाल दिया था, आप अपने अनुसार डालिएगा। तो मेरे हिसाब से ये तेल दूसरी तरफ, ये तेल भी गर्म हो गया होगा तब तक, तो मैं ऑमलेट बना लेता हूँ जल्दी से। तो ऑमलेट बनाने के लिए मैं इस पहला अंडा को तोड़ूंगा। अंडा तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसी तरह मैं दूसरे अंडे को भी ऐसे डाल दूंगा। तब तक के लिए मेरा हाथ में पूरा अंडा लग गया, तो मैं हाथ धो लूंगा। तो मैं हाथ धो के वापस आ चुका हूं, और अभी मेरा ऑमलेट भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इसको फ्राई होने के लिए हम लोग ऐसे इसको ढक देते हैं, और दूसरी तरफ ये जो वेजीज है हम लोग ये भज गए हैं, तो मैं इसमें चाउमीन डाल दूंगा। थोड़ा सा डाल दे, थोड़ा सा डाल दे। हाँ तो मैं इधर है, इधर है। हाँ तो मैं अभी थोड़ा सा ही डालूंगा, बाद में अगर जगह मिला तो मैं और भी डालूंगा। अभी मैं थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल काम है। प्लेट यूज कर। तो मेरे से तो ये दही डल रहा है, मैं इसमें इसे ये यूज करके करूंगा। मैं अभी इतना सही डालूंगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो गया है, तो ये डाला नहीं जा रहा मुझसे।
अब तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। मसाला इसमें हम लोग थोड़ा सा मसाला डालेंगे, आप अपने अनुसार डालना। अब तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा डालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही सूखा सूखा हो गया है। बस 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 आप मैं इतना ही डाल रहा हूँ, आप अपने अनुसार डालना। हाँ तो दूसरी और ये ऑमलेट भी बनकर तैयार हो गया है। उधर रख नीचे। हाँ तो मैं इसको गैस को बंद कर दिया और ये जो है मैं इस प्लेट में ये ऑमलेट को डालूंगा। मैं ये प्लेट को धीरे धीरे डालूंगा क्योंकि ये ऑमलेट का ये ऑयल स्पिल हो रहा है मेरे ऊपर। इधर लेकर आ जा। तो फाइनली मैंने इस ऑमलेट को यहाँ पे डाल दिया है। ये चाउमीन बना भी नहीं और इसके पहले से ही इसके खुशबू आने शुरू हो गए। मेरे को तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये ऑमलेट। मैं इसको थोड़ा सा क्रंच कर लूंगा। उधर डाल दे, डाल कर उधर ठीक हो जाएगा। मैं इसको इससे क्रंच कर रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा सा से अटक रहा है, नहीं तो ये हो जाएगा। हो गया है, उसमें डाल दे अभी तो हो जाएगा। अब तो मैं ये ऑमलेट को ऐसे ही डाल दूंगा और काटने की जरूरत नहीं है। में भी ऐसे जाके कटने वाला है और इसमें थोड़ा सा बचा हुआ ऐसे मसाला डाल देंगे। बस मिक्स कर ले एक साथ करके। इसको एक साथ मिक्स करना है अभी और उसके बाद हमारा टेस्टी चाउमीन बनकर रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो ये चाउमीन बनकर तैयार हो चुका है। तो इस ये ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। मिलता है आप सभी को नेक्स्ट या ब्रांड न्यू वीडियो के लिए और मैं इस वीडियो में एम करता हूँ 300 लाइक्स का। और जिसने भी मेरा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप देर किस बात की कर रहे हो, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। तो तब तक के लिए बाय बाय।